चैन से सोना है तब जाग जाओ। आपके चैन और सुकून के लिए रोज जागता है क्राइम रिपोर्टर। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार। अब बात इंडियन मुजाहिदीन की नई रणनीति की, जिस पर काम कर रहे हैं आतंकी दुनिया के नए आका। बदलते वक्त और तकनीक के साथ साथ इंडियन मुजाहिदीन भी खुद को बदल रहा है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि जोरदार धमाका कर भारी तबाही मचाने की जगह आतंकियों ने अब अपना नया टेरर प्लान लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट करने का बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक आईएम ने पटना में मोदी की रैली से पहले जानबूझकर लो इंटेंसिटी के धमाके किए ताकि आसानी से लोगों के बीच भगदड़ मचाई जा सके और दहशत का माहौल बनाया जा सके। उन्होंने जो छोटे छोटे बॉम्ब्स बनाए, लगाए हर जगह, उससे उद्देश्य बहुत क्लियर था कि वहां पर भगदड़ मच जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा घायल हो, अफरा तफरी हो जाए। जानकारों के मुताबिक भारी नुकसान पहुंचाने वाले बमों को तैयार करने और टारगेट तक पहुंचाने के मुकाबले छोटे बमों से धमाका करना ज्यादा आसान है। गया के महाबोधि मंदिर और फिर पटना में हुए धमाके इस बात की तस्दीक करते हैं। जानकारों का कहना है कि इंडियन मुजाहिदीन सियासत में एक्टिव बड़े नेताओं को भी निशाना बनाने की कोशिश में है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत नेपाल बॉर्डर की सीमा पर किसी तरह की रोक टोक न होने की वजह से आतंकी बिना किसी खतरे का सामना किए ही आसानी से भारत में घुस जाते हैं और फिर यहाँ साजिशों को अंजाम देते हैं। इसीलिए सरकार को इस दिशा में भी ध्यान देना चाहिए। समय आ गया है कि नेपाल के बॉर्डर्स को सील किया जाए, क्योंकि वहां से भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भारत के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के लिए जमा होते जा रहे हैं, तो वो बॉर्डर को सील करना बहुत जरूरी है। साफ है कि दहशतगर्दों ने अपना तरीका जरूर बदल लिया है, लेकिन उनका मकसद अभी भी देश को तबाह करने का ही है। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट कराने की नई रणनीति अपनाकर इंडियन मुजाहिदीन ने अपने स्लीपर सेल का काम काफी आसान कर दिया है, क्योंकि इन धमाकों को कहीं भी और कभी भी थोड़ी सी तैयारी के साथ अंजाम दिया जा सकता है। इंडियन मुजाहिदीन का इरादा पूरे देश में दहशत का माहौल तैयार करने का है। उसने अलग अलग शहरों में धमाका करने की योजना बनाई है। उसकी हिटलिस्ट में देश के कई बड़े नेता हैं। आइए देखते हैं हिटलिस्ट में कौन है नंबर वन। पटना ब्लास्ट ने एक बार फिर इस बात की तस्दीक कर दी है कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल की बनाई पुरानी योजना पर ही काम कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी संगठन के टारगेट पर जिन नेताओं का नाम है उनमें पहला नाम है नरेंद्र मोदी। एनआईए के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन किसी भी कीमत पर मोदी को अपना निशाना बनाना चाहता है और इस टारगेट तक पहुंचने के लिए उसका नेटवर्क तेजी से काम कर रहा है। जानकारों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान यासीन भटकल ने भी नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की साजिश का खुलासा किया था। इस पूछताछ में भटकल ने एनआईए को बताया, मुंबई में 26/11 हमले के बाद हमें विदेशों से खूब फंड मिला था। अगर हम नरेंद्र मोदी तक पहुंचने में कामयाब रहे तो पूरी दुनिया में हमारे समर्थक बढ़ जाएंगे और हमें अपने कामों के लिए पहले से कई गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। इसीलिए हमारी टॉप हिट लिस्ट में पहले से 10वें नंबर तक बस मोदी का ही नाम है। भटकल ने एनआईए को यह भी बताया था कि किसी भी रैली के दौरान मोदी पर आतंकी हमला किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पटना ब्लास्ट के बाद पकड़े गए आतंकी इम्तियाज ने भी कबूल किया है कि रैली में धमाके की वजह से मची भगदड़ का फायदा उठाकर मोदी को आत्मघाती बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी। नरेंद्र मोदी सबसे हाईली टारगेटेड, नॉट राहुल गांधी, नॉट सोनिया गांधी, नॉट मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा इस देश में इस समय थ्रेट है।
जानकारों का कहना है कि आतंकी संगठनों को लगता है कि फिलहाल किसी भी दूसरे नेता की तुलना में मोदी को टारगेट नंबर वन बनाने से उनका प्लान ज्यादा कामयाब हो सकता है। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर कोई सिक्योरिटी प्रदान नहीं करी गई। अगर एयरपोर्ट पर उस समय कोई भी आतंकवादी होता तो वहां पर एक बहुत बड़ा हड़कंप मच जाता। बताया जा रहा है कि आतंकी मोदी को टारगेट कर मजहबी उन्माद भी फैलाने की कोशिश में हैं। खुफिया सूत्रों का दावा है कि आतंकी दहशत तो फैलाना चाहते ही हैं। उनका इरादा इसी बहाने देश को दंगे की आग में झुलसा देने का भी है, और आतंकियों के सरपरस्त ISI लंबे समय से इस कोशिश में लगी हुई भी है। कैमरामैन गोपाल के साथ नीरज कुमार गोड, जी मीडिया, दिल्ली। पटना ब्लास्ट के बाद ये तय हो चुका है कि इस पूरी साजिश का ताना बाना तहसीन उर्फ मोनू ने खुद तैयार किया था। इंटेलिजेंस का मानना है कि यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद ISI ने एक साजिश के तहत उसे इंडियन मुजाहिदीन के इस टेरर प्लान की जिम्मेदारी सौंपी है। यह है इंडियन मुजाहिदीन का नया चेहरा तहसीन अख्तर। वसीम उर्फ मोनू के नाम से भी पहचाने जाने वाले इस शख्स के हाथ में है इंडियन मुजाहिदीन की नई कमान। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने भारत में होने वाले तमाम ऑपरेशंस की पूरी जिम्मेदारी इन दिनों इसी को सौंप दी है। माना जा रहा है कि दहशत फैलाने की तकनीक में माहिर तहसीन आतंकियों की फौज खड़ी करने में भी माहिर है। तहसीन जो है यंग आदमी है, काबिलियत है, एक्सप्लोजिव्स की नॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी करता है। उसके कारण उसको ये जिम्मा दे दिया गया कि इंडियन मुजाहिदीन का जो कहा जा रहा है कि आप उसके ऑपरेशंस इंडिया में देखिए। जानकारों का मानना है कि तहसीन की बिहार और झारखंड के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अच्छी पकड़ है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक उसे इन तमाम इलाकों में इंडियन मुजाहिदीन के मजबूत स्लीपर सेल को तैयार करने के साथ ही टेरर प्लान को अंजाम देने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तहसीन जैसे लोगों को पता है कि बिहार एक बहुत सेंसिटिव एरिया है। क्यों है सेंसिटिव एरिया है? क्योंकि वहां पर वोट बैंक पॉलिटिक्स में आप इन्वेस्टिगेशंस को रोक देते हैं, दूसरा तो वो एक गढ़ बनता जा रहा है। साफ है यासीन भटकल की गिरफ्तारी से इंडियन मुजाहिदीन को झटका तो जरूर लगा है, लेकिन तहसीन उर्फ मोनू के कमान संभाल लेने के बाद वो एक बार फिर दहशत के अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी में जुट गया है। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। आतंकवादियों का प्लान पता चलते ही देश भर में सिक्योरिटी अलर्ट जारी हो जाता है। उसके बावजूद देश के दुश्मन कई बार अपनी साजिश में कामयाब हो जाते हैं। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? IB अलर्ट के बाद भी पटना में हुए एक के बाद एक 8 सिलसिलेवार धमाके। लोगों की जान तो गई ही, 100 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। खुफिया एजेंसियों की चेतावनी के बावजूद बिहार पुलिस ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए। नतीजा ये हुआ कि पटना में मोदी की रैली के दौरान आतंकी काफी हद तक अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। हर बार की तरह पुलिस ने स्पेसिफिक अलर्ट नहीं होने का बहाना भी बनाया, लेकिन IB ने साफ कर दिया कि उसने नरेंद्र मोदी की रैली पर आतंकी खतरे का अलर्ट 23 अक्टूबर को ही दे दिया था। तो क्या गांधी मैदान में इतनी सर्विलेंस भी आप नहीं कर सकते थे कि वहां पर जब बम लगाया जा रहा था तब उसको रोक लेते? ये तो एक प्रशिक्षित कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भी कर सकता था। नहीं हुआ, ये फेलियर बिहार पुलिस का है। बात सिर्फ पटना में हुए धमाकों की नहीं, जुलाई 2013 में गया में हुए बम धमाकों का अलर्ट भी IB ने बिहार पुलिस को जून 2013 में ही दे दिया था। इसके बावजूद महाबोधि मंदिर में एक के बाद एक
10 बम धमाके किए गए। बेंगलोर पुलिस का कहना था कि उसे स्पेसिफिक अलर्ट नहीं मिला था। साफ है, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए पुलिस हमेशा इसी शब्द का सहारा लेती है। बिहार में भी यही हुआ। फिर दोषारोपण का सिलसिला शुरू हो जाए, कोई कहता अभी सूचना दी, किसी ने कहता अभी सूचना नहीं दी, किसी ने कहा समय से दी, किसी ने कहा विलंब से दी, अगर समय से भी दे दी तो समय उसमें गुणवत्ता नहीं थी। इतना ही नहीं, 26/11 हमले से पहले भी मुंबई पुलिस और कोस्ट गार्ड को हमले के बारे में चेताया गया था, लेकिन मुंबई पुलिस सतर्क नहीं हुई। देश में हुए आतंकी हमलों की लंबी फहरिस्त है, जिनकी चेतावनी खुफिया एजेंसियों ने राज्य पुलिस को पहले ही दे दी थी, लेकिन हर बार राज्य पुलिस स्पेसिफिक और जनरल अलर्ट का बहाना बनाकर खुद को बचा लेती है और बचे रह जाते हैं मातम में डूबे वो परिवार जो आतंकी हमलों में अपनों को खो देते हैं। लोकेंद्र सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। दो हजार 2005 में दिवाली के दौरान दिल्ली को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया था। सरोजिनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में हुए बम धमाकों में 62 लोगों की जानें चली गई थी, लेकिन धमाकों के इतने वर्षों बाद भी पहाड़गंज जैसी बड़ी मार्केट में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जा सके? साल 2005, जगह सरोजिनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी, तीन जगह तीन बम धमाके, 62 लोगों की मौत। लेकिन 8 साल बाद भी सो रही है दिल्ली की पुलिस और यहां का प्रशासन। दिल्ली के पहाड़गंज में होटल्स की भरमार है, ज्यादातर विदेशी टूरिस्ट इन्हीं होटलों में आकर रुकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से इस इलाके को काफी संवेदनशील माना जाता है, लेकिन यहां के सीसीटीवी कैमरों का हाल देखिए। पहाड़गंज में लगे सीसीटीवी कैमरे काम ही नहीं कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम के दौरान में जब ये पहाड़गंज के रोड चौड़े किए गए, उस दौरान सारे सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए, जो आज तक नहीं लगे गए। यहां के व्यवसायियों का आरोप है कि कई बार इसकी शिकायत पुलिस को करने के बाद भी उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। बदहाल पड़े सीसीटीवी कैमरों पर ध्यान नहीं दिया गया। कल पुलिस में हमने मीटिंग में कई बार उठाया इस बात को, तो हर बार आश्वासन मिलता है, वो अपने ऊपर वाले अधिकारियों पे डिपेंड करते हैं, जैसा आश्वासन उन्हें मिलता है आगे हमें वैसा आश्वासन दे देते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर पुलिस सिर्फ गोलमोल जवाब ही देती नजर आई। चाहे बारिश हो, चाहे धूल मिट्टी की वजह से हो या धूप की वजह से हो, कैमरे खराब होना तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि कैमरे खराब होते हैं। आपको बता दें कि आईएम के दरभंगा मॉड्यूल के पकड़े गए आतंकियों ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बताया था कि उन्हें पहाड़गंज की जर्मन बेकरी पर हमले का निर्देश दिया गया था। साफ है कि ये इलाका आज भी आतंकियों के टारगेट में से एक है, लेकिन अगर यहाँ कभी कोई आतंकी वारदात हो गई, तो यहाँ के सीसीटीवी कैमरों से शायद ही पुलिस को कोई सुराग मिल सकेगा। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। क्राइम रिपोर्टर में बस इतना ही। अगर आपके आसपास होता है कोई गुनाह तो आप हमें बताएं। हमारा पता है क्राइम रिपोर्टर, जी मीडिया, FC19, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं। अब नवीन कुमार को दीजिए इजाजत, लेकिन चैन से सोना है तो अब जाग जाओ।